Good morning to all of you. Today we will discuss expanded form. ठीक है बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म बताए थे, पर मैं फिर से बता दे रहा हूं, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था। जैसे टू डिजिट का हम लेते हैं 25, ट्वेंटी प्लस फाइव, सेकेंड में भी क्या होगा, ये इधर आ जाएगी, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड टू टेंस प्लस फाइव वंस, ठीक है। Now next taking, we are taking another number 375. Here we can write the place value ones, tens, hundred. Here it is two digit number only, ones and tens. Here अलग चेंज करके लिखो, ऊपर होगा पीला नहीं लेगा। वंस टेंस हंड्रेड, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 70 प्लस 5, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को प्लेस वैल्यू भी बताई थी उस दिन, देखिए मैं रिवाइज कर दे रहा हूं एक बार और। जैसे कलर चेंज के लिए 375 में वंस टेंस हंड्रेड, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 किस प्लेस पे है बेटा, ठीक किस प्लेस पे है, हेलो सर, हंड्रेड, यस सर, सर हंड्रेड, सर हंड्रेड, क्या होगा, सर हंड्रेड, सर हंड्रेड, सर हंड्रेड, हंड्रेड तो प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू बताओ, सर हंड्रेड, सर हंड्रेड है, प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू, थ्री प्लेस है, थ्री सॉरी हंड्रेड प्लेस है, प्लेस वैल्यू बताओ, डिजिट को मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू हंड्रेड कितना हो गया, थ्री हंड्रेड, ठीक है, सेवन का क्या होगा बताओ, सेवन किस प्लेस पे है, थ्री हंड्रेड, फाइव किस प्लेस पे है, वंस, वेरी गुड, वंस, तो फाइव इंटू वन दैट इज फाइव, ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ये आ जाएगा, तीन को ऐड कर दीजिए, 375, वी कैन राइट 300, यस नोट कर लो, यस नोट कर लो, इधर नोट कर लो ना, नोट करना है, नोट कर लो, नोट कर लो, लिखे लिखे बोले, हाँ एंड इस किया, नोट कर लो बेटा, हाँ पूछो, हाँ बोलो, अरे नाम बोलो, आ रहा है ना, अरे ना पूछो, बोलो, सर इसको नोट करना है कॉपी में, हाँ नोट कर लीजिए, आपकी कॉपी में काफी इरर था, मैं आज चेक किया हूँ, इसलिए आप नोट करिए, अच्छा ओके सर, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये चीज, सर लेकिन कॉपी तो वहाँ जमा, आपके पास आप जमा है, नोट करिए,
रफ में नोट करिए, रफ कॉपी में। यस मेरा बेटा का क्लास है। ओके सर। आप लोगों में मिस्टेक था इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को। बेटा नोट कर लो। प्लेस वैल्यू से एक्सटेंडेड फॉर्म टू वेस्ट है ना, तो पहला तरीका ये हो गया। ये देखो मैंने अलग अलग प्लेस वैल्यू सर। हाँ बेटा बोलो सर। आप सर बार बार आपका फोटो यहाँ से गायब हो रहा है, कभी कभी आ जा रहा है। बेटा नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अब पढ़ाते रहिए। ठीक है बेटा, चलो एक और एग्जांपल लेके करते हैं। फोर डिजिट का ले लें। यस सर। चलो फोर डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं। हेलो 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 देखो फोर डिजिट का नंबर ले लेते हैं। वन वन सेवन थ्री फाइव 1735 सिवान। सिवान करो क्या लिखा बताओ। नंबर क्या लिखा है? आवाज नहीं आ रही है। सबसे पूछिए ना। अरे 1735 ओके वेरी गुड। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे इसी तरह। देखो बेटा इसका एक्सपेंड क्या हो जाएगा? इक्वल टू वन प्लस क्या होगा 700 प्लस 30 प्लस 5 होगा ना? यस सर। 1000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 5 ओके समझ में आया। और इसी तरह क्वेश्चन पूछे सेकंड डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। इससे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म का पहले था प्लेस वैल्यू। देखिए जैसे था ना 5 8 7 9 ये 8 की प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी सर? आप बताओ हर्षिता सर। 100 प्लेस वैल्यू बेटा, प्लेस वैल्यू डिजिट से मल्टीप्लाई भी करो उसको। हाँ बोलो सर। 800 हाँ बेटा डिजिट से आप प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 800 प्लेस वैल्यू बताओ। एबेकस में रिप्रेजेंट कर लेंगे ना। 8,800 इंडियन एबेकस दिखाओ। इंडियन एबेकस दिखाओ। इंडियन एबेकस इसका कितना होगा प्लेस में 800 ठीक है। यस सर।
ओके एक क्वेश्चन और देते हैं, दो क्वेश्चन एट हंड्रेड पहले का क्या होगा? आंसर दो, बताओ इन सर्किल डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्किल डिजिट, फाइव हंड्रेड, वेरी गुड। किसने भेजा ये आंसर? सृष्टि दास, वेरी गुड, 500 सही है। सेकंड का बताओ, फर्स्ट का 500, सेकंड का कितना होगा? सर 700। किसने बताया? सर 600। अब बेटा कंपेयर ऑफ नंबर्स था तुम लोगों में, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, नेक्स्ट बताते हैं बेटा। जैसे कंपेयर, क्या क्या हो सकता है? ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ये नेक्स्ट पर सीट में है ना, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। जैसे हमने एग्जांपल लेके हाइट का कंपैरिजन करके बताया था क्लास में, दो बच्चों की हाइट से, दो खड़ा कीजिए, दो को खड़े, ये तो क्लास में डेमोंस्ट्रेशन मैंने किया था कि आप दो लोग घर में अगर दो बच्चे एक साथ पढ़ रहे तो भी कर सकते हैं, दो फिंगर लेके भी आप अपने कर सकते हैं। कौन सी फिंगर सबसे लंबी है आपकी बताइए? सोना, कौन है बच्ची? इसको इसको खड़ा कीजिए। चलो शिवांस बताओ, दो बच्चों को खड़ा कीजिए।
लिए खड़ा होने के लिए। क्या नाम इसका? अंशिका। अंशिका और सजल, बेटा हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया विकास, बहुत अच्छा इनका है विकास। कैसा जा कर रहा है? दो लोग को हाइट का कंपटीशन करते हैं, जैसे सोनल हो गई और मोनल हो गई। सोनल मोनल खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। सोनल मोनल खड़ी बेटा, दोनों खड़ा कीजिए। सोनल मोनल स्टैंड अप खड़ी बेटा, खड़ी हो, स्टैंड अप। हाँ बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है दोनों लोगों में? कौन बड़ा है बेटा? कौन है सरल वाला? छोटा बाबू। हाइट किसकी ज्यादा है? हाँ सर सोनल, सोनल की हाइट ज्यादा है सर। सोनल मोनल दिख ही नहीं रही है। सोनल मोनल नहीं दिख रही है? नो सर। अब दिखी? यस सर। यस सर। सोनल मोनल मिलता कौन बड़ा है? सर सोनल कौन है? अब हमको क्या पता, मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। बोथ आर ट्विंस, ट्विंस है ना दोनों? यस सर आइडेंटिकल ट्विंस। ये लेफ्ट वाली सोनल है? सोनल की हाइट ज्यादा है ना? ठीक है बेटा, सोनल की हाइट ज्यादा है तो S इज ग्रेटर देन M। सोनल की हाइट ज्यादा है तो ग्रेटर देन लिखेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी सकते हैं, मोनल की हाइट सोनल से कम है और मोनल इज लेस देन सोनल। ठीक है सर। साइक्लिस S for Sonal, M for Monal. लंबाई एरिया है, एरिया हो बेटा बताओ समझ में आया? सोनल ग्रेटर देन मोनल और मोनल इज ग्रेटर देन सोनल। यस सर। दोनों का मतलब यस सर। जैसे अब देखो नंबर के फॉर्म में लिखते हैं हम, जैसे पूरा वन डिजिट नंबर 9 8, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? सर 9। ग्रेटर देन या लेस देन? सर ग्रेटर देन। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, टू डिजिट का नंबर ले रहे हैं 23 21, इसमें बताओ? 23 सर। 23। ओके अब देखिए कंपैरिजन इसमें कैसे करेंगे, टू डिजिट के कंपैरिजन। ये तो वन डिजिट था, टू डिजिट था, यहाँ पे लिखे 1 10, यहाँ पे लिखे 1 10। ठीक है, या देखिए टेंस प्लेस पे दोनों के में क्या है, 2 है, लेकिन वंस प्लेस पे क्या है, एक जगह 3 है और एक जगह 1 है। ठीक है बेटा, देखो इस तरह कंपैरिजन करेंगे, टू डिजिट का है तो 23 एंड 21। हाँ वंस प्लेस पे हमारा 3 है और एक जगह 1 है, तो 3 इज ग्रेटर देन
वन सो आवर नंबर सर अगर ग्रेटर देन 21 ठीक है आया समझ में क्लास में बताए थे हम यस ठीक है अपने टीचर का बताए यस सर देखो थ्री टीचर को भी नंबर ले लो 165 162 बताओ सर 165 अच्छा तो ग्रेटर वाला बताइए दीदी अब छोड़ो हाँ ठीक है ये बताओ 293 198 क्या होगा 298 ग्रेटर या लेस पहले इस नंबर से बोलते हैं बेटा इस नंबर से बोलेंगे लेस देन या ग्रेटर देन 293 is less than 298 यहाँ पे देखो देख लो लिख लो 1 10 100 यहाँ भी लिख दो 1 10 100 100 प्लेस पे दोनों पे 2 है दिख रहा है ना प्लेस पे दोनों पे 2 है ना और 10th प्लेस पे देखो 9 है यहाँ भी 9 है ओके अब 1st प्लेस पे देखेंगे यहाँ पे क्या है 3 है यहाँ पर 8 है थ्री और एट है थ्री एट थ्री क्या होता है एट से ग्रेटर या लेस लेस देन ओके थ्री लेस देन एट तो आवर नंबर 293 इज लेस देन 298 ओके समझ में आया यस सर आगे समझ में किसको डाउट है अभी सर दिवाकर को डाउट है सुमंत क्या है सुमंत भारती हो गया सुरियान सिंह चलो बेटा अब ये था आए पूछती थी ना अब 40 कितना बनाते हैं 40 7,032 7,6 3 1 बताओ इसमें क्या होगा सर 7,632 यहाँ पे 1 10 100 लिख लीजिए 1 10 100 1 10 100 1000 ठीक है ना इसके बाद कंपेयर करिएगा प्लेस टू प्लेस देखेंगे 1000 पे सबसे पहले 1000 पे जाएंगे फिर 100 पे जाएंगे फिर किस पे जाएंगे 10 पे जाएंगे उसके बाद फिर 1 पे जाएंगे सर हाँ बोलो बेटा सर अगर हम लोग का 1000 नंबर सेम हो तो उसको छोड़ेंगे हाँ उसको छोड़ देंगे नेक्स्ट टीचर जाएंगे यहाँ उसको छोड़ेंगे इसको प्लीज सेम हो तो उसको छोड़ देंगे 100 नंबर सेम है उसको छोड़ दिया हाँ 10th नंबर सेम है उसको भी छोड़ दिया और फिर हमारा 2 पे 1 पे क्या है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है उसी का कंपेयर करेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1 तो ओवरऑल दिस नंबर इज ग्रेटर देन स्किप करते जाएंगे उसके आगे बढ़ेंगे अच्छा इक्वल के केस में क्या होता है इक्वल के केस में जैसे कोई भी नंबर ले लो 545
यहाँ पे लिख दो 545, ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा कि लेस देन या इक्वल टू, बताओ जल्दी से। सर सर इक्वल टू, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, हर जगह नंबर क्या है, प्लेसेस पे सारे डिजिट मैच कर रहे हैं, तो दीज आर बोथ नंबर आर इक्वल। ओके ओके सर, और किसी को पूछना है बोलो, किस बच्चे को पूछना है? दिवाकर को। बुक में रुको, मैं आप लोग को कैसे देखेंगे स्क्रीन, कर दिया सर, कोई कुछ बदमाशी कर रहा है। दिवाकर कुमार, सुमंत भारती, अरण्या राज रिकॉर्डिंग में है, क्लास रिकॉर्डिंग में है, जो जो इसको देखेंगे और अभी हम लोग क्लास में उससे बात करेंगे, अभी अभी ये रिकॉर्डिंग में है, पता चल जाएगा, अभी रिकॉर्डिंग में अभी हम लोग भेजेंगे ग्रुप में, तो देख लेना अभी तुम, ये दिखाई देगा, और जो कल इस तरह के स्टूडेंट होंगे वो कल आएंगे। देखो बेटा इसमें सर पेज नंबर, पेज नंबर एपिकस के बाद वर्कशीट लिख जाओ, ये देखो वर्कशीट 5 देख रही हो सर, पेज नंबर 9, पेज नंबर सर 10, हाँ बच्चे बात, कौन सा पेज है? चलो ये क्वेश्चन करो तुम लोग, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन जरा कर दो, पेज नंबर दिख रहा है, हाँ नोट कर दो, पेज नंबर 10, 400+200+10 जल्दी से करो, 5 क्वेश्चन है अभी, एक्सपेंडेड फॉर्म बताए थे नाम, एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाना है। ओके सर, सर पूरा सर इसमें हम देख रहे पूरा नोट करना, कॉपी में सर पूरा नोट करना है, हमारा मिस्टेक था कॉपी में, इसलिए हम दोबारा पढ़ा रहे हैं आज, सर पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करो सर, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बनाना है, हाँ जल्दी से आंसर लिख दो ना, आंसर तो लिख दो सकती हो सर, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आंसर, ओके सर। सर सिर्फ हम लोग को F तक बनाना है, हाँ बनाइए ना F, F G A जल्दी बनाइए, ये तो ओरल भी बना सकती हैं आप, 5 मिनट्स लेफ्ट ओनली, ओरली ऐड नहीं कर सकती हो, 6000+40+8 कितना आएगा जल्दी बताओ सर, 6000+0 प्लस 40 प्लस 8 कितना आएगा,
सर 6,100 6,048 वेरी गुड. सेकंड क्या क्या आएगा सर 5,809 थर्ड का डी का सर 4,210 ओके. अब और लोग को बता दे बेटा. सुमंत भारती, सुमंत भारती यस सर. बोलो बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म डी का 4,000 + 200 + 10 सर 4,201 वन नहीं बाबू टेन 4,210 आएगा. टू हंड्रेड प्लस टेन है ना बेटा 4,210 नेक्स्ट बताओ जल्दी से. हैंड रेज करने के लिए बोलिए और यहाँ से अनम्यूट कीजिए उसको. फोर मिनट्स लेफ्ट. चलिए कंक्लूड कीजिए. और सृष्टि दास कंक्लूड कीजिए. अनम्यूट बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सर मेरा हो गया सारा. यस सर. चलिए ओके. अब नेक्स्ट क्लास में टाइम ओवर होने वाला है. ठीक है बेटा. बाय सर. ओके बाय सर. बाय सर.